हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पुरुषोत्तम फ्रॉम इजी मैथ्स। वेलकम टू इजी मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर प्रॉब्लम। कैलेंडर प्रॉब्लम के हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बेसिक्स देखें तो वन वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, वन ईयर के अंदर 52 वीक प्लस वन ऑड डे होता है, यानी कि एक्स्ट्रा डे होते हैं, 52 वीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। और उसकी जगह लीप ईयर के अंदर 52 वीक होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 2 और डे होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में फेब्रवरी के 29 ईयर होते हैं। ठीक है, ये था बेसिक्स। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिसको हमें याद रखना है, उसको अगर हम रट लेंगे, सीख लेंगे तो हमारे लिए कैलेंडर प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएगी। उसके लिए डेज को हम डिनोट करेंगे, संडे को 0 से, मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से और सैटरडे को 6 से। उसी तरह मंथ को भी हम नंबर से डिनोट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन सबको नंबर से डिनोट करेंगे, 033, 6144, 625, 035। इनको याद रखने के लिए अगर हमें इनको 3-3 के भाग में डिवाइड करें तो याद रखने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। स्टार्टिंग के 3 मंथ 033, लास्ट के 035 और सेंटर के 614, 625। इसको स्टार्टिंग से एंड और सेंटर में इस तरीके से याद रखना है, जैसे 033, 035, 614, 625। इनको याद रखना है। उसी तरह ईयर को भी हम डिनोट करेंगे, 1602, 1699 को 6 से डिनोट करेंगे, इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो इसको 6 से, 1700 को 799 को 4 से, 18 को 2 से, 19 को 0 से और 2000 टू 299 को 6 से डिनोट करेंगे। इसको याद रखना है, 6, 17, 18, 19, 20 के अंदर अगर कोई भी आता है तो 6, 4, 2, 0 एंड 6, इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है इसको। इन वैल्यू को रट लेना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो कोई एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 27 जनवरी 1947? 27 जनवरी 1947 को कौन सा दिन आएगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप है जो हमें याद रखने हैं, इनको रट लेना है आपको। स्टेप नंबर 1 है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया गया है उसकी लास्ट 2 डिजिट ले लेनी है, कौन सी होगी अपनी, 47। सेकंड स्टेप क्या होगा अपना, डिवाइड करना है 4 से, तो 47 को डिवाइड किया 4 से, वैल्यू आ गई अपनी, पीछे बचा, वैल्यू क्या आ गई अपनी, 11 लिख दिया। थर्ड स्टेप है अपना, व्हाट इज द डेट, डेट क्या आप दी गई है 27, एज इट इज लिख दो इसको। फोर्थ स्टेप है मंथ का नंबर, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर तो हमने असाइन किया था मंथ्स का, यहाँ पे मंथ कौन सा दिया गया, जनवरी, जनवरी के लिए कौन सा नंबर असाइन है, 0, तो ये 0। जैसे अगर आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा, तो जैसे ही जनवरी आया आपको याद है जनवरी के लिए 0 नंबर असाइन किया गया है, डायरेक्टली 0 लिख दीजिए। ईयर नंबर कौन सा है, यहाँ पे ईयर देगी 19 की सीरीज है, तो 19 की सीरीज के लिए हमें कौन सा नंबर असाइन किया गया है, 0, 0 असाइन किया गया है हमेशा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। इनको टोटल कर दिया, टोटल आ गया अपना 5, कैरी हो गया 85 आ गया। अगेन लास्ट स्टेप है अपना, सिक्स्थ स्टेप है डिवाइड बाय 7, तो इसको हमें जो भी ये आंसर आता है इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पे अपने पास वैल्यू आ गई, फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 14, रिमाइंडर बचा अपना 1, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है लास्ट में वो होगा अपना आंसर। 1 किससे हमें डिनोट करता है, डे के अंदर जाइए, 1 डिनोट करता है मंडे को, तो ये अपना आंसर हो जाएगा मंडे। 27 जनवरी 1947 को कौन सा डे होगा, मंडे होगा। सिंपल स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ईयर का 2 डिजिट ले लेना है, सेकंड स्टेप उसको 4 से डिवाइड करना है, थर्ड स्टेप डे ले लो, फिर मंथ ले लो एंड देन ईयर ले लो।
स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ऐड करना और लास्ट में इसको 7 से डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर अपना डी हो जाएगा। देखते हैं एक और एग्जांपल, दूसरा देख के क्लियर करते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल लिया, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 अक्टूबर 2016। तो स्टेप हमारे क्या थे, लास्ट टू डिजिट देखते हैं, लास्ट टू डिजिट 16 हो गई, डिवाइड बाय 4, डिवाइडेड 4 से डिवाइड किया, कितने बार डिवाइड होगा 4 से, डेट क्या है अपनी 8, मंथ नंबर क्या है, मंथ कौन सा है अक्टूबर, अक्टूबर से अक्टूबर को डिनोट करते हैं 0 से, 0 वैल्यू आ जाएगी, ईयर नंबर कौन सा है 2000 वाला है, 2000 को डिनोट करते हैं 6 से, तो वैल्यू आ जाएगी 6, इनको ऐड किया वैल्यू आ गई अपनी 34 को डिवाइड किससे करना है 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा 6, तो जो हो गया अपना रिमाइंडर हो गया, और 6 किससे डिनोट करते हैं सैटरडे से, तो वैल्यू हो जाएगी अपनी सैटरडे हो गया अपना आंसर। ये थी दोस्तों ट्रिक जिसको जिसकी मदद से हम कैलेंडर से रिलेटेड अगर हमें कोई डे निकालना है किसी ईयर का तो हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बस करना क्या है आपको, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है, जो डे मंथ एंड ईयर्स को किन किन नंबरों से आपको असाइन करना है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी, और ये जो स्टेप है 6 स्टेप वो आपको याद रखना है। इस तरीके से अगर इस रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आती है तो इस मेथड से आसानी से हमें इसको 2 सेकंड में 5 सेकंड में इसको बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट लीप ईयर के बारे में, अगर लीप ईयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है या किसी अदर फॉर्म में कोई अदर दूसरे तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं आपके इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। उस सेकंड वीडियो को सेकंड पार्ट को देखेंगे, उसमें हम आगे की मेथड आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारी जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।